हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बुक टुडे। आई एम योर टीचर पूजा सहानी विद योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडिसी बाय ब्रेन रूट सीरीज। सो बच्चों, इसमें हम करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। ओके, सो आर यू रेडी टू स्टार्ट विद मी? ओके, सो We are on chapter number 1 and the chapter number 1 is alphabetical orders. Okay, so we go ahead. So बच्चों, आप बताइए मुझे कि alphabetical orders क्या होते हैं, आपको पता है? Okay, I tell you बच्चों, alphabetical order होते हैं, जैसे हम alphabets लिखते हैं ना, A, B, C, D, E, F, G, H, इसी तरह से हम कहाँ तक लिखते हैं? Z तक। ओके, जिसे हम कहते हैं Z भी और Z भी। ओके, सो A टू Z तक जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग वर्ड्स को अरेंज करना, मतलब पहले A वाले वर्ड्स को अरेंज करना, फिर B वाले वर्ड्स को, फिर C वाले वर्ड्स को, और इस तरह से आगे आगे उन्हें अरेंज करते जाना, ये होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ओके, सो लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट अरेंज्ड इन देयर प्रॉपर ऑर्डर इज नोन एज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ओके, सो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स को प्रॉपर वे में ठीक तरह से जब हम अरेंज करते हैं उसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पर बच्चों हमें एक इंटरप्रिटेशन बॉक्स दिया हुआ है, सो चलिए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। टू प्लेस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किसी ग्रुप ऑफ वर्ड को प्लेस करने के लिए स्टार्ट विद द वर्ड, उस वर्ड से स्टार्ट करना है दैट बिगिंस विद द लेटर क्लोजेस्ट टू द फर्स्ट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट ए। सो सबसे पहले बच्चों कौन सा आएगा? लेटर ए। ओके, सो जो वर्ड ए से स्टार्ट होगा हम उसे सबसे पहले लिखेंगे, और उसके बाद हम उस लेटर का वर्ड सबसे पहले लिखेंगे जो ए के सबसे पास होगा। ओके, सो आगे चलते हैं। देखिए, अब आपको इस एक्सरसाइज से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ। Rewrite each word. ये सारे words आप देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, सो हमने इन सब words की list को दोबारा लिखना है in alphabetical order. Alphabetical order में, alphabetical order क्या होगा बच्चों? ओके, एक आपके लिए यहाँ पर कर दिया गया है। सो alphabetical order आपको पता चला क्या होता है? चलिए मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रही हूँ। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. ओके, सो ये हैं आपके अल्फाबेट्स, राइट? यही अल्फाबेट्स है ना बच्चों? तो ये ऑर्डर हमें फॉलो करना है। सबसे पहले हमें ए लेटर के वर्ड्स लिखने हैं, उसके बाद बी लेटर के, उसके बाद सी लेटर के, और उसके बाद डी ई एफ, और इस तरह से हमारे वर्ड्स आते जाएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहला आपके लिए यहाँ पर किया हुआ है। अब यहाँ है फेंट, सबसे पहले लिखा हुआ है। क्यों लिखा है बच्चों? बिकॉज आप देखो सारे वर्ड इनमें से 3 एफ से स्टार्ट हो रहे हैं और 2 आर से। सो अब आप बताओ इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स में ए एफ पहले आता है या आर? आप यहाँ चेक कर सकते हैं, यस, एफ पहले आता है, तो हमें एफ वाले वर्ड्स को देखना है, राइट? चलिए, अब एफ में भी हमारे पास यहाँ 3 वर्ड्स हैं, तो अगर वर्ड्स का फर्स्ट लेटर सेम है, जैसे कि तीनों वर्ड्स का फर्स्ट लेटर एफ से स्टार्ट है, फ्रेम, फेंट, फेमस, तब हम किस पे जाएंगे बच्चों? दूसरे लेटर को देखेंगे, राइट? तो अब हम दूसरा लेटर देखते हैं। फ्रेम में दूसरा लेटर है हमारे पास आर। ओके, फेंट में हमारे पास है ए, और फेमस में भी हमारे पास है ए। ओके, तो अब आर तो बाद में आता है, तो आर तो अभी आएगा ही नहीं। फिर अब हम इन दोनों को देखेंगे, फेंट एंड फेमस। अब इसका फर्स्ट लेटर भी सेम है
और सेकेंड लेटर भी सेम है. तो अब हम किसको देखेंगे, थर्ड लेटर को देखेंगे, राइट. अब थर्ड लेटर इसमें आई है और इसमें एम. अब आप बताइए ए टू जी में पहले क्या आता है बच्चों, आई या एम? आप यहां से चेक भी कर सकते हो क्या आता है पहले. ओके, सो पहले आता है आई, राइट. सो इसीलिए सबसे पहले यहां पर आया है फेंट, उसके बाद फेमस और फ्रेम. अब आगे बारी आर वाले वर्ड्स की. सो आर ए एन जी ई आर, आर ए डी आई ओ. सो पहले दो दो लेटर इसमें भी सेम है. अब हम किसे देखेंगे, थर्ड वन को. थर्ड वन इज एन और डी, राइट. सो अब आप बताओ क्या पहले आता है, एन पहले आता है या डी? ए बी सी डी, यस डी पहले आता है. तो हमने यहाँ पर रेडियो लिख दिया और उसके बाद आता है रेंजर. ओके, सो आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा. बाकी मैं अभी ये वाले भी हम साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, सो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, तो अब हम सेकंड देखते हैं. सेकंड में हमारे पास है ड्रेन, ड्रैप, ड्रॉप, ड्रिप, ड्रामा. अब आप देखिए सारे ही डी से हैं, डी 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 डी, राइट, सब डी से हैं. अब हमें किसको देखना है, सेकंड लेटर को. तो सेकंड भी हमारा सारा आर से है, आर 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 आर, राइट, डी आर डी आर डी आर डी आर. अब हम क्या करेंगे, हम किसे देखेंगे बच्चों, यस हमें देखना है थर्ड लेटर को. अब हम थर्ड लेटर को देखते हैं. यहां पर थर्ड लेटर है ए, यहां पर भी है ए और यहां भी है ए, राइट. यहां है ओ और यहां है आई. तो इन दोनों को तो हम सबसे बाद में करेंगे. अब हमें ए वालों में अब हम किसे देखेंगे, फोर्थ लेटर को, राइट. यहां है एम, यहां है बी और यहां है आई. सो बताइए बच्चों आई बी और एम में सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है, कौन सा लेटर आता है? यस, सबसे पहले आता है बी. तो अब हमारा यहां सबसे फर्स्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा, ड्रैब, राइट. सबसे फर्स्ट वर्ड हो जाएगा ड्रैब. ओके, सो ड्रैब हो गया हमारा क्लियर. अब उसके बाद हमें देखना है कि अब कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पे, ड्रैब. अब हमें ड्रेन और ड्रामा में देखना है आई पहले आता है या एम पहले आता है. यस, आई पहले आता है, सो ड्रेन, राइट, फिर ड्रामा एंड देन ड्रॉप और ड्रिप. ड्रॉप और ड्रिप में ओ पहले आता है बच्चों या आई पहले आता है? यस, आई पहले आता है. सो पहले आएगा ड्रिप और फिर आएगा ड्रॉप. ओके, सो इस तरह से हम इसे पूरा करेंगे, राइट. चलिए, ओके, थर्ड पॉइंट में हमारे पास है ग्रैटिट्यूड, प्रेजेंट, प्लेज, रिलैक्स, रेबल. तो सबसे पहले हमारा कौन सा लेटर आता है बच्चों, ए बी सी डी ई एफ जी. तो सबसे पहले तो यहां पर क्या आ जाएगा, ग्रैटिट्यूड. ओके, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ग्रैटिट्यूड हमारा हो गया यहां पर. चलिए प्रेजेंट, प्लेज, रिलैक्स, रेबल. अब आप बताएंगे ए बी सी डी में आर पहले आता है या पी? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी. ओके, एम एन ओ पी. तो हम इन दोनों को देखेंगे कि इन दोनों में पहले कौन सा वर्ड यहां पर आएगा, बिकॉज हमें क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें वर्ड्स लिखने हैं, राइट. चलिए, सो पी और पी दोनों में पी पी है, तो हमें सेकंड लेटर को देखना है, आर या एल. अब बताइए कौन सा पहले आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल. तो सेकंड वर्ड हो जाएगा हमारा प्लेज. सो इस तरह से बच्चों इट इज वेरी इजी, आपको सिर्फ ए बी सी डी पढ़ना है और देखना है कि पहले कौन सा आता है और वही आप लिखते चले जाओगे, राइट. चलिए, प्लेज, प्रेजेंट, अब हमें ये दोनों हमारे हो गए वर्ड्स. अब हमें इन दोनों में देखना है, राइट. सो आर एंड आर, ई एंड ई. अब हमें थर्ड लेटर पे जाना है, एल पहले आता है या बी? यस, बी पहले आता है. तो अब हमें यहां पे लिखना है रेबल और रिलैक्स. ओके, सो इस तरह से हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे. ओके, नाउ द फोर्थ वन, वी हैव डन सेकेंड, थर्ड, नाउ फोर्थ.
सेंचुरी, क्राफ्ट, क्रैबी, नेस्ले, कैप्टन, सारे वर्ड्स सी से स्टार्ट होते हैं सिर्फ नेस्ले को छोड़ के। सो ये तो नेस्ले सबसे बाद में आएगा बिकॉज सी पहले आता है। चलिए अब हम सी के वर्ड्स देखते हैं। सी सब में है, सेकेंड वर्ड देखते हैं ए आर आर ई। तो सबसे पहले तो ए आता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैप्टन, राइट। चलिए आगे चले। ओके कैप्टन हो गया हमारा, देन आर आर ई, अब कौन सा वर्ड आएगा हमारा, सेंचुरी, बिकॉज ई पहले आता है आर से। अब हमें देखना है क्राफ्ट और क्रैबी में कौन सा वर्ड पहले आएगा। चलिए सी आर सी आर, अब हम थर्ड लेटर को देखते हैं, सी आर ए सी आर ए। ओके ये भी तीनों सेम है। फोर्थ लेटर पे जाएंगे, अगर तीनों सेम है तो हमें किसको देखना है, फोर्थ वन को। फोर्थ वन इज एफ एंड बी। ओके चले अब फिर से हम ए बी सी डी पढ़ते हैं। ए बी, यस यहाँ पर ही हमारा बी मिल गया हमें, सो ये होगा क्रैबी। ओके एंड देन क्राफ्ट, और सबसे एंड में तो हमारे नेस्ले नहीं आना था, राइट, नेस्ले। ओके नाउ द फिफ्थ वन इज पेंटर वेट बेसिक टेस्टी ऑपरेटर। चलो एक है पी से, डब्ल्यू से, बी से, टी से, ओ से। अब आप बताइए सबसे पहले क्या आता है एबीसीडी में। यस बेसिक, बी पहले आता है, बी ए एस आई सी, बेसिक। सो अब बेसिक के बाद क्या आएगा, हम एबीसीडी पढ़ के देख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। सो यहां पर आ जाएगा ऑपरेटर, राइट, एम एन ओ पी, पेंटर। चलिए अब ये ऑपरेटर भी हो गया हमारा और पेंटर भी, अब बचा टेस्टी और वेट। चलिए आगे चलते हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टेस्टी और फिर वेट, ठीक है। सो इस तरह से बच्चों हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स को लिखना होता है। अब ये जो सिक्स्थ वन है ना बच्चों, आई एम गिविंग यू दिस इन योर होमवर्क। ओके सो प्लीज ट्राई टू पुट ईच वर्ड लिस्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके सो आपको इन सारे वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ए से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद वाले वर्ड्स को लिखते जाएंगे। और अगर आपको सेम लेटर से स्टार्ट मिलते हैं सारे वर्ड, फिर हम दूसरे लेटर को देखेंगे, दूसरा भी सेम है तो थर्ड वन को, थर्ड भी सेम है तो फोर्थ को, और इस तरह से हम इन्हें ऑर्डर में लिखते जाएंगे, राइट। सो लेट्स गो अहेड नाउ, अरेंज द नेम्स ऑफ दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है क्या। सो दिस वन इज मोरिम्बा, क्या है ये, मोरिम्बा, राइट। दिस इज गिटार, दिस इज तबला, हारमोनियम, दिस इज फ्लूट एंड दिस इज ड्रम। ओके सो हमारे पास ये यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, हमें इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले तो हम ए से देखते हैं, कोई हमारे पास है नहीं, बी से भी नहीं, सी से भी नहीं। यस वी हैव ड्रम, ड्रम हमारे पास ये डी से है, राइट। सो अब सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, ड्रम। ओके फाइन, ओके आई होप कि आपको समझ आ रहा है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा नंबर वन, ए बी सी डी ई एफ एफ। यस हमें मिल गई हमारा नंबर टू, फ्लूट, बिकॉज ये स्टार्ट हो रहा है एफ से तो हम यहां पर लिख देंगे फ्लूट। ओके ई एफ जी, यस गिटार विल बी द थर्ड वन बिकॉज ये जी से स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, गिटार। आप मेरे साथ साथ भी लिख सकते हो अपनी बुक में। ओके ए बी सी डी ई एफ जी तक हम आ गए, आगे चलते हैं
EFGH. So harmonium will be fourth one. So we will write here harmonium, right? चलिए G H I J K L M morimba. So morimba will be fifth one because ये M से start हो रहा है. And the last one is T tabla. Right? So है ना easy बच्चों? चलिए आप इसे आराम से कर सकते हो. Okay? बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी अल्फाबेट पहले आ रहा है उसको हम पहले लिखेंगे. ओके, सो लेट्स गो अहेड. यस, दिस इज योर प्रोवोकेशन एक्सरसाइज बच्चों. अरेंज द नेम्स ऑफ फाइव थिंग्स इन योर स्कूल बैग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सो बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे स्कूल बैग में. क्या क्या होता है? पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, टिफिन, पेंसिल बॉक्स, बुक्स, नोटबुक्स, वाटर बॉटल, बैग, राइट? कितनी सारी चीजें होती हैं. आपको कोई भी फाइव को सिर्फ अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से. ओके, सो और अरेंज द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ओके, सोलर सिस्टम में कितने सारे प्लैनेट होते हैं? अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, मर्क्यूरी. ओके, सो इस तरह से बच्चों बहुत सारे आपको क्या मिलते हैं? सोलर सिस्टम के प्लैनेट. आपको इन्हें भी अरेंज करना है. और भी होते हैं, वो आप पता लगाएं. और आपको मैं ये दोनों एक्सरसाइज आई वॉन्ट टू गिव यू इन योर होमवर्क. ओके, आपको बच्चों इन्हें होमवर्क में करना है. सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को भी आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है. और आपके स्कूल बैग में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी तो मैंने आपको बता दी. आपको उन्हें लिखना है, उनमें से कोई फाइव चीज़ों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. ओके, सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा. राइट, चलिए आगे चलते हैं. Thanks for watching. Have a nice day.